अब बड़े मोड़ की बात ही कुछ और इससे भैया आज भी वैसी खुशबू आती है जैसे आया करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पास वाला तबेला अब भी वही है। सारे के सारे कितना चौंक जाएंगे हम लोगों को देख के। इतना प्यार इतना इंपॉर्टेंस मिलेगा कि क्या ही बताएं। राणा जारा सबको चौंकाने का बड़ा मन है। आपको बालकनी वाले वो गुप्ता जी याद है भैया? अवश्य याद है, आधे मस्तिष्क वाले हमारे गुप्ता जी। हमें इतने साल बाद देखकर वो चौंक कर अपने बालकनी से गिर पड़ेंगे। बस भैया हमारे से भी राणा जारा, चलो सबको चौंकाते हैं। उठाओ छोटे को, चलो चलो भाई छोटे। वाह वाह वाह, जय वह देखो गुप्ता जी, हमारे घर में झांकने की उनकी पुरानी आदत अब तक गई नहीं। जानता हूं, अभी देखो कैसे चौंकेंगे हमारे गुप्ता जी। एक मिनट, गुप्ता जी अरे ये किशन बेहोश कैसे हुआ? अरे तुम दोनों भाई ना, ससुर एक नंबर के निकम्मे नालायक नकारे हो। समझ ना रहा यह मैं देख कर चौंक क्यों ना रहा। फिर से जानो, एक दूसरे के साथ फिर से दोस्ती करो, फिर से रोमांस आए, फिर से प्यार बने, तो इससे क्या एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है और जोश भी बढ़ जाता है। स्टॉप इट। और ऐसी उलझुल गेम मैंने आज तक नहीं देखी यार, टेंशन दे दी तुम लोगों ने यार। हाँ, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा हम दोनों में जोश कब कम हुआ। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा हमारे बीच में जोश पैदा कब हुआ। ओफो भैया भी कमाल कर रहे हो, कह रहे हैं टाइम प्लीज लिया हुआ है फिर भी कैरेक्टर नहीं छोड़ रहे। अरे दो भाभी मैं समझा के आता हूँ कि इतना भी सीरियसली नहीं लेना होता किसी गेम को। भैया चलिए चलिए बाहर ही समझाइए। रोज नया ड्रामा करते रहते हैं, जब इनके सर पे सवार भूत उतर जाएगा ना तो अपने आप घर चले आएंगे। मैं तो कह रही हूँ दाल में ना कुछ काला है शायद, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है शायद, क्योंकि मैंने तो ऐसा गेम कभी नहीं सुना शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल कुछ अलग ही चल रहा हो, जिसे खेल भी किशन जी रहे हो? अरे दी, आप दोनों मुझे ऐसे शक की नजर से क्यों देख रहे हो? I swear मुझे कुछ नहीं पता है, बल्कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। पहले वो भोकाल, फिर ये प्रेम, और ये अब कुछ नए गेम शुरू हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, ये भोकाल और प्रेम का चक्कर तो हम बाद में निपटाएंगे। पहले ये गेम का चक्कर निपटाना है। जिसे निपटाने के लिए मुझे एक सॉलिड आइडिया आया है। क्या? हमारे पतियों को खेल खेलने का बहुत शौक है ना, तो हम उनके इस खेल का जवाब खेल के साथ ही देंगे। उन्हें क्या लगता है, एक वही है जो ये खेल खेलना जानते हैं? मतलब ये अनजान बनने वाला गेम खत्म नहीं हुआ, गेम तो अभी शुरू हुआ है। ओ, सही कह रहे हो, जिसको शुरू उन लोगों ने किया था वो गेम अब हम खत्म करेंगे शायद। नहीं नो, शायद पक्का। सबसे पहले तो 2 साल बाद घर पहुंचे,
एक ग्लास पानी तक किसी ने तकना पूछा? क्या नाटक लगा रखा तुम दोनों ने? ये सारी बातें बताता हूं, पहले एक बार जम के गले लग लेने दो, दो साल बाद मिल रहे हो। इधर आओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा भैया, दो साल बाद आप लोग मेरे आंखों के सामने हो। सच में बहुत याद आई तुम्हारी। मैं तीन दोस्त होने के बाद में एक दोस्त के काम चला रहा था। बब्बा आजा भाई एक्सचेंज कर ले, उसके भी तो गले लग लू। बहुत याद आई तुम लोगों की यार। चलो हम दो वर्ष पश्चात आए हैं, कोई हमें देख के चौंका, कोई हमें देखकर खुश हुआ, परंतु किशन हमें यह बताओ यहां ये क्या रहता फैला रखा है तुमने? बताता हूं भैया, लेकिन दो साल तक आप लोग कहां थे? उस दिन नदी में जब डैम के गेट खुल गए, आप लोग तो पानी के बहाव में बहते बहते। लगा तो हमें भी ऐसा ही था, लेकिन पता नहीं ऊपर वाली की कौन सी मेहरबानी थी, जब नदी में बहते बहते हम दोनों भाई चाइना पहुंच गए। क्या चाइना? और चाइना में हम दो वर्षों तक दीर्घ निद्रा में थे, अर्थात कोमा में। अब भाई किशन, कोमा में दो साल रहना, उसके बाद होश में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इस सारे चमत्कार का टोटल उस चमत्कार के सामने कुछ ना है जो यहां हो रहा है। ये क्या रायता फैला रखा तुम लोगों ने? जरा साफ साफ सच सच बता। I love you too. मुझे लगता है कि बिजली कड़कना अब बंद हो गई से। नहीं नहीं नहीं, अभी भी कड़क रही है। वाह, क्या मसल्स है आपकी, वर्कआउट करते हैं आप? दो साल से नहीं किया। क्यों? कोमा में था। क्या? दो साल से मैं और शंकर भैया चाइना में कोमा में थे। इनकी कहानियों का ये गेम तो बहुत दूर तक जा रहा है, चाइना पहुंच गया। ठीक है जय जी, आप खेलेंगे तो मैं भी खेलूंगी। तेरे तेरे तेरे। बस कीजिए शंकर जी, कितना तैरेंगे? टूट जाइए ना मेरे प्यार में। ना हम उस दिन डूबे थे ना आज डूबेंगे, हम बस यहां से निकलेंगे। ए, अरे शंकर जी, और बताइए ना अपनी बहादुरी के किस्से। आपके दिल की बिजली कुछ ज्यादा जोरों से धड़कने लग गई सर, अब तो मेरे कान के पर्दे तक फट रहे हैं। अब मुझे जाना होगा। दो वर्षों बाद अपने घर पहुंचे हैं, चैन से बैठ तक नहीं पाए, कपड़े तक नहीं पहने, और वो कन्या, हमारी वाली कन्या तो अत्यंत शरारती निकली। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। मेरी वाली ने भी घना परेशान कर रखा से भैया, किसी तरह से अपने कमरे से इज्जत बचाते हुए बाहर निकला हूं मैं। घर के अंदर तो मैं ना घुस रहा, बड़ी पार्क में पत्थरों के पीछे बेंच के नीचे सोना पड़ गया, ना घर में ना घुस रहा फिर से। ये किशन ने कहां फंसा दिया हम दोनों को? हु.
वाह, बीबियों से लात खाया हुआ पति देख के ना हमारे दिल को बड़ा मजा आता है, मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है। रब तेरी, रब और वार 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 वार। अरे ससुर, चुल्लू पर पानी में डूबने से डर गए? एक नंबर के डरपोक है यार तुम लोग, हैं? कैसी बदतमीजी है गुप्ता जी, इस तरह से किसी को जल छिड़क कर जगाते हैं? ये ससुर, हमको आंखें मत दिखाओ और ना हमसे गुस्सा हो, हैं? अरे तुमको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। अरे ससुर, तुम लोगों को बाथरूम समझ के ना चिड़िया हल्की हो रही थी। और एक हम है, हैं? अरे हमने पानी डाल के ना उसको उड़ा दिया। ससुर, आजकल का भलाई का जमाना है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम लोग अपनी बीबियों को कैसे मनाओगे? अब देखो क्या है ना, ये घटना एक ना एक दिन तो होनी ही थी, लेकिन हमको तो ताजुब इस बात का है कि ससुर वो इतने दिन बाद हुई, हैं? गुप्ता जी को क्या हो गया है? किशन ने कैसी छवि बना दी है जो गुप्ता जी इतने बदतमीज हो गए हमारे प्रति? सच में शंकर जी, जय जी, हा? शंकर जी, जय जी, अब चाहते क्या साफ साफ बता दीजिए ना हमें। देखिए, आप लोग को गेम खेलना था तो आपके साथ गेम भी खेला हम लोग ने, फिर ऐसे रूम से क्यों बाहर भाग गए? आप दोनों ये कौन सा नाटक कर रहे हैं, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है शायद। इसलिए साफ साफ बता दीजिए क्या चाहते हैं आप लोग? अरे ये चाहते हैं सुताई, और आप इनको सूद दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। मुझे मेडल भी मिला है। ओ, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। हद है दोनों, मतलब मैं सोचा फुसफुस मारने के बाद दोनों को हीरोइनों का सपना आएगा कुछ रोमांटिक, कि लाइफ का रोमांस भी कातिल और बोलती भैंस पे डिपेंडेंट है, बताओ। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आपका सपना सच नहीं हुआ, झूठ था वो। और भैया यही है फुसफुस का कमाल। यस, इस फुसफुस को किसी पर भी छिड़क दो, फिर जिस चीज को बहुत गहराई से चाहता है ना, उसको वही चीजें सपने में दिखने लगती है, और ऐसी दिखती है जैसे सच में हो रही हो, लेकिन हो नहीं रही होती। इसी फुसफुस की वजह से आज तक मैं बचता रहा। हम तुम्हारी सारी बात समझ गए किशन, मगर फिर भी एक अड़चन है। क्या किशन? दरअसल बात यह है कि हमें ट्विंकल नहीं पसंद और जय को डिंपल नहीं पसंद है? हमें ऐसा लगता है कि ये लड़कियां हमारे लायक नहीं। सत्य बताएं तो हमें इन लड़कियों के पास रहने में डर लगता है, क्योंकि ये लड़कियां अत्यंत चिपकू हैं। देख किसान, तू जानता है कि मैं झूठ ना बोलूंगा, ना तो भैया झूठ बोलेंगे। शुरू शुरू में भैया को ट्विंकल पसंद आई थी, मुझे डिंपल पसंद आई थी, दे आर वेरी प्रिटी, बट लेकिन धीरे धीरे हमें महसूस हुआ है कि दोनों काफी खतरनाक से। हम दोनों के लिए दीदी आप रो क्यों रही है, बताइए ना क्या हुआ?
बताने को तो अब कुछ भी नहीं रहा डिंपल। मुझे तो लग रहा है हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है शायद, बल्कि मैं ही नहीं, तुम दोनों को भी ना मेरे साथ बैठ के रोना चाहिए शायद। दीदी आप ऐसे सस्पेंस क्रिएट करके ना हमारी टेंशन और बढ़ा रही है, जल्दी बताइए ना क्या हुआ। वो ना मम्मी जी के कहने पे मैं बब्बर भैया के घर पे मालपुआ लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे शंकर जी, जय जी और किशन जी बब्बर भैया के साथ हमारी बुराइयां कर रहे थे। कह रहे थे शुरू शुरू में तो ये तीनों हमें बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ी अच्छी लगी, लेकिन बाद में खतरनाक लगने लगी। बैठिए ना आराम से, आज मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी शायद। अर्थात? अर्थात आप चाहते हैं ना कि हमें दूर दूर रहना चाहिए? ऐसा हम नहीं चाहते, हमारी बीमारी चाहती है, क्योंकि यह बीमारी छूने से फैलती है। वो तो अब आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपको छूं भी ना? जी ये छू लिया, फिर से छू लिया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हम आपसे विनती करते हैं, कृपा करें हमें मत छुए। बड़े छुई मुई बने हुए हो ना, तो बैठे रहिए रूम में छुई मुई बनके। ये रही डब्बे में आपकी खिचड़ी, आपका पानी, कुछ फ्रूट, ब्रेड और दवाई तो आपके पास होगी ही ना? मैं जा रही हूँ मूवी देखने। क्या? हम यहाँ बीमार हैं और आप मूवी देखना चाहती हैं? कि मैं नहीं, आपकी बीमारी चाहती है। बाय। आराम करिए। आराम तो हम, दरवाजा तो खोलिए। ट्विंकल जी, किशन, दरवाजा खोल। हैं? भैया ये, भैया आपको इस तरह से कपड़े की तरह पंखे के सामने बिठा के हथकड़ी लगा के सूखने के लिए कौन छोड़ गया? तेरी होनहार टैलेंटेड ब्रांटेड भाभी ने चाबी मेज पर रखी हुई, इससे मेरी हथकड़ी खोल दे। कौन से मेज? है जा खोल उन्हें भी, कोई दरवाजा खोलिए। अरे अरे शंकर भैया, इस तरह से दरवाजे पे बाहर कुंडी लगा के आपको अंदर कौन बंद कर गया? तुम्हारी भोली भाली भाभी ने। हैं? एक ऐसी लड़की के साथ तुम हमारा घर बसाना चाहते हो जो हमें बीमारी में छोड़कर इस तरह से चलचित्र देखने गई, खरीदारी करने गई? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी ना। तो फिर कौन सी बात हो रही? सह दोनों भाइयों को ऐसे लड़कियों के साथ बसाना चाहता है जो अपने पति को पंखे से बांध के निकल जाती है और दूसरी अपने पति को कमरे में बंद करके किवाड़ी लगा के चली जाती है। लानत है ऐसे पतनियों पे। नहीं भैया असल में वो नहीं भाई कुछ नहीं। किशन ऐसे लड़की के साथ हम अपना घर बसता हुआ नहीं देख सकते। हमें लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, हम इसके साथ कदापि नहीं रहेंगे। थार। तो अब क्या करूं, ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अरे ससुर इतने गुस्साए और हड़बड़ाए हुए कहां निकल रहे हो? ससुर एक बात कहें तुमसे,
क्या है ना कि इससे पहले ना तुम दोनों जब भी निकलते थे अलग अलग निकलते थे, लेकिन अब तुम दोनों जब भी निकलते हो ना जोड़ी के साथ निकलते हो। रघुप्ता जी, जो मैं जोड़े से चढ़ू या घोड़े से चढ़ू, आपके कौन से इलाके में मिर्ची लग रही है? अब जाके अपना काम कर लो। अरे अपना काम निकालना है ना, मास्क मंगवाना है, तो ससुर इनको तो मक्खन लगाना ही पड़ेगा ना। अरे ससुर जाए, अरे तुम इतना गुस्सा होके क्यों देखते हो अपने प्यारे गुप्ता जी को? हमको ये बात पता है कि इस मोहल्ले में तुम दोनों ही समझदार और मददगार हो, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अरे हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? अब देखो ससुर, ऐसे कि तुम दोनों को पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। अब उससे बचने के लिए भाई तुम दोनों ना मेडिकल स्टोर जाओगे मास्क लाने। अब देखो इससे ये प्रूफ हो गया ना कि तुम दोनों कितने समझदार हो। अब मददगार कैसे हो ये भी मैं प्रूफ कर रहा हूं। भाई जब तुम जाओगे वहां पे अपने लिए लाने के लिए, तो तुम अपने प्यारे गुप्ता जी के लिए एक मास्क तो लेके आओगे ना, नहीं लाओगे ना, है? अब इससे साबित हो गया कि भाई तुम कितने मददगार हो। वाह, आज आपको काम पड़ा तो हम समझदार मददगार, और आज सवेरे प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे, ठहाके लगा के हंस रहे थे कि हमारी पत्नियों ने हमें लात मार कर घर से निकाल दिया। अरे भाई, अरे बेटा, वो जस्ट जोकिंग है, जस्ट किडिंग, बस। अपने जस्ट किडिंग को गोल करके अपने जेब में डाल लीजिए, आपके लिए ना तो मास्क आएगा ना तो हम आपके लिए मूंगफली लेके आएंगे। चल भाई। ए, ससुर, अरे सुनो, अरे सुनो, सुनो बेटा, अरे सुनो तो, अरे देखा, शंकर जी को लात के ले गए। अब ये खबर ना हम भाभी जी को देते हैं। कमाल है भाई, अभी तो हमने कुछ बताया नहीं और आप लोग एडवांस में चौंक गए। अरे गुप्ता जी, आज पहली बार आप यहाँ जमीन पर खड़े हमारे घर, ये टांगे पूरी तरह पहली बार देखी है हमने, तो चौंकेंगे नहीं? ओहो, अरे इसीलिए। अरे भाभी जी, अरे हम ये बताने आए थे कि गुप्ता जी, हाँ? आप कितने सालों के बाद अपनी बालकनी के नीचे उतरे हैं? अरे हम 6 और 7 साल बाद आए हैं। छोड़िए इस बात को, देखिए भाभी जी, क्या है ना जी, बड़ा अजीब लग रहा होगा ना जमीन पे आके शायद। अरे हमको कुछ अजीब नहीं लग रहा, हम ये बात कह रहे थे कि अरे आपने तो इस मोहल्ले को हमेशा बालकनी से देखा है, नीचे से कैसा दिखता है? अरे बहुओं, ये वाइवा और सवाल पूछना बंद करो। भाभी जी, हम ये बताने आए थे कि जय और शंकर का किडनैप हो गया। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.